ये बेटा आवाज आ रही सबको? जी सर। ठीक है आत्मा, आपने भी जिससे भी बेटा क्वेश्चन पूछा ना, तो 4S3D का तो जिस तरह कल हमने बात करी थी कि विद रिस्पेक्ट टू द आयनाइजेशन एनर्जी वी कैन इजीली फाइंड आउट कि आपका जो अननोन एलिमेंट है वो किस ग्रुप में मौजूद है और इसके अंदर कितने नंबर ऑफ पीरियड्स जो है आपको उसके अंदर इस एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर कितने नंबर ऑफ पीरियड्स है ये आपको पता चल जाएगा। तो बेटा कल तक वाली बात सबको क्लियर थी? तो कल जो स्टूडेंट्स नहीं थे और आज भी कुछ स्टूडेंट आई थिंक एब्सेंट है। तो बेटा कल कल वाली बात सबको क्लियर थी? यस सर, क्लियर थी। चलो गुड। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आज जो हम लोग बेसिकली टॉपिकल पास पेपर्स को डिस्कस करेंगे और वो जो टॉपिकल पास्ट पेपर्स हैं हमारे पास वो मैं आपके सामने अभी शेयर कर रहा हूँ। अच्छा देखो, अभी एक स्टूडेंट ने जो है वो मुझसे क्वेश्चन किया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो कि है स्कैंडियम। ओके, एंड वी नो दैट कि जब हम लोग इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 3D को फिल करने से पहले आपके पास 4S का शेल फिल होता है, ठीक है, बिकॉज 4S की एनर्जी कम है एज कम्पेयर टू 3D। इसीलिए अकॉर्डिंग टू दी ऑफबा प्रिंसिपल आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स का फिलिंग प्रोसेस है वो फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल पर जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से बेटा 3P के बाद पहले 4S का शेल भरता है एंड देन फिर 3D पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स फिलअप होते हैं। बेटा फिलिंग ऑर्डर तो आपका यही रहता है, 4s2 पहले एस भरेगा फिर 3d भरेगा, लेकिन जब आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे होते हैं ना तो इधर यू हैव यू यू वांट टू राइट 4s2 3d1, आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन आप इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हो कि बेटा 3d1 4s2। ये दोनों जो प्रोसेस हैं वो आपके पास, आप इससे अपने आंसर को लिख सकते हो, लेकिन फिलिंग ऑर्डर में पहले 4s2 भरोगे। अब जो 4s2 है जब ये फिल अप हो गया, अब आप 3d को भर रहे हो तो आपने 4s को बाद में लिख दिया, 3d को पहले लिख दिया, लेकिन ऐसे नहीं करना कि पहले आपने इलेक्ट्रॉन्स 3d में भर दिए फिर 4s में जा रहे हैं। तो बेटा फिलिंग ऑर्डर आपका कभी भी चेंज नहीं होगा। अच्छा बेटा मैं आपसे ये बता रहा था, अच्छा आपका कनेक्शन चला गया था, तो बेटा फिर से सुन लीजिएगा, बेटा सारे बच्चे सुन लीजिएगा। देखो अगर हमारे पास एक एलिमेंट है स्कैंडियम 21, ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई बेटा, 1s2 2s2 2p6, फिर 3s2 3p6, ठीक है। अब टोटल इलेक्ट्रॉन्स आपके पास यहाँ हो गए बेटा 18, ठीक है। 18 के बाद अब जो आपका 19th वाला इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 3p के बाद एक्चुअली में आना चाहिए था 3d, लेकिन 3d शेल्स जो हैं वो उनकी एनर्जी ज़्यादा है क्योंकि उनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भरने की कैपेसिटी ज्यादा है, ठीक है। तो इसीलिए 3d से पहले हमेशा अगले शेल का 4s फिल होगा, तो ऐसे लिखो 4s फिल होगा, और जब आपका 4s फिल होके कंप्लीट हो जाएगा अब आप 3d में इलेक्ट्रॉन्स पुट अप करोगे। अब आप चाहो तो इसको लिख दो 3p6 3d1 4s2, लेकिन आप इसको 3p6 के बाद 4s2 3d1 ऐसे भी लिख सकते हो। आ रही बात समझ में?
तो इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, हम हमेशा फिलिंग ऑर्डर को फॉलो करेंगे। आपका फिलिंग ऑर्डर सेम सही होना चाहिए, तो आपके पास सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिखने के तरीके करेक्ट हैं, ठीक है। तो ये आपके पास बेटा बात हो गई। अब मैं आप लोगों के सामने पास पेपर्स जो हैं वो शेयर कर रहा हूँ, ताकि हम कुछ जितने भी ये टॉपिक है, टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़ लिए हैं अभी तक, हम उसको थोड़ा सा रिविजन करते हुए आगे चलें। क्योंकि जिस तरीके से हमने कल डिस्कस किया था, हम ऑनलाइन क्लासेस में कोशिश करेंगे कि सुकून से पास पेपर्स की प्रैक्टिस कर लें, है ना। मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ बेटा, 1 मिनट मुझे दीजिएगा। ओके, सो दिस इज सर वेरी फर्स्ट चैप्टर। अब बेटा इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस वाले क्वेश्चन को देखिएगा। अब जैसे आपके पास एटम है बेटा टाइटेनियम, तो जो फर्स्ट चीज आपको पता होनी चाहिए कि टाइटेनियम का प्रोटॉन नंबर क्या है। हाँ बेटा असफर, मैं पुराना बिल्कुल रिवीजन करवाऊंगा। मैंने कल भी आपको ये बात बताई थी कि ये वाला जो आपका वीक है, इसमें हम ऑनलाइन क्लासेस में पास पेपर्स करेंगे उसी टॉपिक के, ठीक है। एंड देन उसके बाद जो है, जो फिजिकल क्लासेस होंगे हमारे पास, मैं आपको रिवीजन करवा दूंगा। तो बस ये 1 वीक ही हमें इन रिवीजन पर लगाना है, बाकी जो वीडियो लेक्चर्स वगैरह भी आपके पास मौजूद हैं। बाद में बेटा देखते हैं, मुझे टाइटेनियम का प्रोटॉन नंबर बताओ कितना है। अच्छा टाइटेनियम का बेटा एटॉमिक नंबर है, देखो सब देखिएगा, 22, ठीक है। अब जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो हम अपने हिसाब से करेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 18 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए। फिर कौन सा शेल फिल होगा बेटा 3p के बाद, 4s2, 18 और 2 20, एंड देन फिर 3d2, ठीक है। तो अब इसके हिसाब से आपका आंसर क्या बनेगा बेटा। हाँ बेटा 4s ही आएगा। मैंने क्या बोला आपको, आपको अपना फिलिंग ऑर्डर फॉलो करना है। देखो एग्जामिनर कह रहा है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ द लिस्टेड ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखिएगा, 3p6 के बाद कौन सा ऑर्डर फिल होगा, 4s2 एंड फिर 3d2, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी क्या है, p के बाद 4s देन फिर 3d, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका b, ठीक है। ए इसका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि बेटा यहाँ पर अभी इलेक्ट्रॉन्स के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आपको कोई भी नजर नहीं आ रहे। आपको एनर्जी के हिसाब से बताना है कि कौन सा शेल जो है उसकी एनर्जी कम है और किस शेल की एनर्जी ज्यादा है। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, बी। क्यों? क्योंकि 3s के बाद 3p आया, देन फिर 4s एंड देन फिर 3d, ठीक है। अब इधर देखिएगा बेटा, एन एटम हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स, विच द 8 इलेक्ट्रॉन्स है एक एटम के अंदर, मतलब एक एटम एक्स है, इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स है आपके पास 8। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी बेटा, 1s2, 2s2 एंड 2p4, सही है। अब ये इन इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, तो बेटा एस का एस के अंदर कितने एटॉमिक ऑर्बिटल है, 1, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। सेकेंड शेल के एस के अंदर भी एक ही एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। पी के अंदर बेटा कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, 3, और इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल होंगे, पहले सिंगली एंड देन फिर डबल।
तो अब इसके हिसाब से आपके पास आंसर क्या बनेगा? यस, द आंसर इज बी। ठीक है, तो देखो हम लोग अपने बेसिक कॉन्सेप्ट से कभी भी नहीं हिलेंगे, हमें क्वेश्चंस को समझना है और उसकी एनालिसिस करनी है। हमारी एनालिसिस इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि हम डायरेक्ट अपने आंसर पर पहुंचे, क्योंकि यहाँ पर एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करेगा, बहुत ज्यादा कंफ्यूज करेगा। ठीक है, जैसे देखो ये सी में कंफ्यूज कर रहा है, यहाँ तो उसने डबल कर दिया लेकिन एक इलेक्ट्रॉन कहीं यहाँ पे जंप कर गया, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो हमें क्वेश्चंस को समझ के उसको एनालाइज करना है। बेटा सारे बच्चे बताएंगे क्या ये एमसीक्यू समझ में आया? अदीन, अमार, फसी, हमेल, माहीन, बेटा आप लोग जितना पार्टिसिपेट करोगे तो उतना मुझे समझ में आएगा, और फिर अगर कोई मसला है ना तो रिवीजन भी होता चला जाएगा। सही, शाबाश, क्लियर। अच्छा बेटा ये देखो, ये आयनाइजेशन एनर्जी है। द फर्स्ट सिक्स आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ फोर एलिमेंट्स ए टू डी आर गिवन, विच एलिमेंट इज मोस्ट लाइकली टू बी इन ग्रुप फोर? कौन सा एलिमेंट ग्रुप नंबर फोर में है? तो सोचते हैं, अगर कोई एक एलिमेंट ग्रुप नंबर फोर में है तो मतलब उसके आउटर शेल में फोर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एंड आफ्टर द फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी यू विल फाइंड आउट द बिग डिफरेंस। अच्छा असफर कह रहा है सी, देखते हैं भाई। यस इट्स सी। सी के अंदर आफ्टर चार इलेक्ट्रॉन जब बिल्कुल फंसी बैठा, जबरदस्त, आपके जब चार इलेक्ट्रॉन्स निकल गए देन शेल चेंज आ रहा है, दैट्स व्हाई द आंसर इज सी। आगे चलेंगे, सही है। ए बी सी डी वाले को भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के पहले करते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 19, जरा सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। हाँ बेटा असफर कह रहा है डी, देखते हैं कितनी जो चॉइसेस हैं वो डी में आती हैं। बेटा कोशिश सब करेंगे, कोई मसला नहीं, अगर गलत होगा तो इसमें कोई मसले वाली बात नहीं, क्योंकि हम लोग सब भी बैठ के यहाँ सीख रहे हैं। एक ही आंसर आया अभी तक। अब डी सर लास्ट शेल में छह होंगे, ग्रुप सिक्स का एलिमेंट है। ठीक है बेटा देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 13,000 के बाद, हाँ ये आ गया आपके पास, मतलब ग्रुप नंबर सिक्स में है। और ग्रुप नंबर सिक्स की आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? NS2। अच्छा आप सब डी कह रहे हो, मैंने आप लोगों को एक चीज लिखवाई थी, आपको दिखाता हूँ। जी बेटा माहीन, सही बताया आपने। ये देखो बेटा आपके पास जो एलिमेंट्स एस ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, आई एम श्योर कि ये चीज आप लोगों के पास लिखी भी होगी, उनकी इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप नंबर वन एंड ग्रुप नंबर टू के जो एलिमेंट्स हैं, दीज आर कंसिडर्ड एज दी एस ब्लॉक एलिमेंट्स, और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो S1 या S2 तक जाती है।
लेकिन जब हम बात करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो व्हाट आर दीज पी ब्लॉक एलिमेंट्स फ्रॉम नंबर ग्रुप फ्रॉम ग्रुप नंबर 3 टिल ग्रुप नंबर 8 आर कंसिडर्ड एज दी पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और बेटा पी ब्लॉक एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे निकालते हो, यहाँ पे आप इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन और पी को कंबाइन करके निकालोगे। मतलब अगर आपके आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो 6 इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट कैसे होगी बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन एस में जाएंगे और 4 इलेक्ट्रॉन पी में जाएंगे। इन टोटल को मिलाकर आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, समझ रहे हो। इसीलिए आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा, इसका आंसर होगा सी, s2 2s2 2p6। शेल नंबर कुछ भी हो, क्योंकि ये p ब्लॉक एलिमेंट है। क्यों p ब्लॉक एलिमेंट है, बिकॉज इट इज प्रेजेंट, इट्स प्रेजेंट इन ग्रुप नंबर 6। समझ आ रही बात। तो देखो आप जो गलत आंसर्स भी सोचोगे ना, तो वो एग्जामिनर ने चॉइस में दिया हुआ होगा, क्योंकि ये इतनी कॉम्प्रिहेंसिव यहाँ पर मार्किंग होती है कि आपको बहुत ही सुकून से जो है वो चीजों को डिस्कस करना है, अपना कॉन्सेप्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग करना है। समझ आ रही है बात। शाबाश बेटा, सिर्फ माहीन ने जो है ये आंसर सही दिया था। हाँ भाई यदीन जी, बेटा बिल्कुल, जब हम डी पे जाएंगे तो उससे पहले सारे काउंट होंगे हमारे पास। अच्छा दाऊद, अभी हाँ अदीन बेटा, हाँ अगर नहीं समझ में आ रहा तो मुझे बताओ, ताकि हम इन चीजों को इतना जल्दी नहीं लेके जाएं और आराम से करें। नहीं 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 बेटा, स्क्रीन स्टक नहीं हुई थी, मैं यही हूँ, वेट करो। अच्छा अब आई थिंक कि आप लोगों को ये जो बुकलेट्स हैं ये भी इसी वीक में मिल जाएंगी, तो हम सबकी सारी चीज़ें थोड़ी सी इजी हो जाएंगी। अब थोड़ा सा बेटा पेपर टूज की तरफ आते हैं, और इसमें जो थ्योरी क्वेश्चंस हैं उन पर बात करते हैं।
जैसे जैसे कल हमने क्लास में इस वाले क्वेश्चन को देखा था, अब मैं आपको इसकी तरीके से सॉल्व करके बता देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिफाइन द टर्म फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। अब मैं इसको किस तरीके से लिख रहा हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, तो इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच एटम फ्रॉम one electron from each atom in gaseous state to form one mole of gaseous positive ion so this is called the ionization energy. Acha, I first energy is the energy required to move one electron from one mole of gaseous to form one. Biji beta bilkul fatma sahi bataya aapne. Write an equation with the state symbols for the second ionization energy, and this is the important thing. Examiner keh raha second ionization energy likho, usko first ki need nahi hai. To lekin second ionization energy dekho likhne ke liye आपका जो एटम है उसने पहले ही फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी करी हुई है, तो हम फर्स्ट सेकंड पे जा सकते हैं। तो मतलब सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी के लिए सबसे पहले एटम जो है वो पॉजिटिव आयन्स में ही होगा, लेकिन वो वन पॉजिटिव आयन होगा गैसियस स्टेट में। एंड व्हेन इट परफॉर्म सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, तो आपका एटम हुआ टू पॉजिटिव और ये इलेक्ट्रॉन बाहर रिमूव हो गया। कुछ स्टूडेंट्स इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं के यार हमें सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी लिखनी है, चलो भाई कोई बात नहीं है, हमने लिख दिया टू पॉजिटिव गैस की स्टेट और इलेक्ट्रॉन बाहर, तो ये चीज आपकी गलत हो जाएगी। बिकॉज सेकेंड आयनाइजेशन उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक इलेक्ट्रॉन, जब तक आपका एलिमेंट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ना कर ले, ठीक है। तो ये एक पीरियोडिकल प्रोसेस है, ये एक पीरियोडिक प्रोसेस है, तो हमें इस चीज का ख्याल रखना है। और You have to write down the state symbols. देखो इनमें marking criteria देखिएगा बेटा, आपके पास ये जो question है ये 2 mark का है ना। अब इसके अंदर 1 mark तो equation लिखने का है, लेकिन जो दूसरा mark है वो इसकी state लिखने का है with state symbols. Clearly examiner ने आपको बता दिया, अगर आप state symbol नहीं लिखोगे मतलब gases और gases नहीं दिखाओगे तो ये 1 number यहाँ से चले जाएगा। दैट इज द मेन रीजन कि स्टूडेंट्स क्लेम करते हैं सर हमने तो पूरा लिखा था फिर भी नंबर नहीं मिले, यहाँ नंबर कर जाते हैं। यूज द डेटा गिवन अबव टू डिड्यूस इन विच ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल एलिमेंट एक्स इज प्लेस्ड, एक्सप्लेन योर आंसर। तो एलिमेंट एक्स बेटा किस ग्रुप में था आपके पास, 950, 1800, 2700, 4800, 6000, फिर डिस्टेंस जो है वो उसका डबल हो गया। तो इट मीन्स दैट कि आउटर शेल में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो इट इज प्रेजेंट इन ग्रुप नंबर 5, ग्रुप 5 दिया गया आपके पास, ठीक है। एक्सप्लेनेशन इसकी क्या होगी बेटा, एक्सप्लेनेशन शोज दैट के शार्प राइज, बिग डिफरेंस या फिर बिग डिफरेंस भी आप कह सकते हो, शार्प राइज इन सक्सेसिव ionization energies sharp rise in successive ionization energies between 5th and 6th ionization energy and ionization energy indicating
indicating shell change. ठीक है, ये इसका आंसर हो गया जी बेटा। आयनाइजेशन एनर्जी पे ही होती है, क्योंकि देखो डेफिनेशन आपसे क्या कह रही है, और ये बात मैंने आपको लेक्चर में भी बताई थी, मैं फिर से आपको दिखाता हूँ ताकि आप लोग बेटा देखो, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि एटलीस्ट यू हैव टू, आप वो सारे वीडियो लेक्चर देखकर आपके पास काम जो है वो नोटबुक में होना चाहिए तो चीज समझ में आएगी। देखिएगा ये एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर जब भी दी थी कि आपका अगर एक एलिमेंट एक्स सॉलिड की स्टेट में है, इट डू नॉट परफॉर्म आयनाइजेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट दिस सॉलिड स्टेट इनटू द गैसियस स्टेट। अब जब ये एलिमेंट गैसियस स्टेट में आएगा तो सिर्फ उस वक्त ही आयनाइजेशन एनर्जी हो सकती है, इसके अलावा आयनाइजेशन नहीं होगी। ठीक है, द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी फॉर द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 4 आर गिवन बिलो। 1, 2, 3, 4 सही है। अभी क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द ट्रेंड शोन बाय दीज वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द एलिमेंट। देखो बेटा, आपको एग्जामिनर ने ग्रुप नंबर 4 दिया हुआ है, और ग्रुप नंबर 4 स्टार्ट फ्रॉम कार्बन, देन फिर सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। यह है आपका ग्रुप नंबर 4। अब आप जब ग्रुप नंबर 4 में टॉप टू बॉटम आ रहे हो, ग्रुप नंबर 4 हम ग्रुप हमेशा टॉप टू बॉटम होते हैं, तो बेटा इसकी आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है? आयनाइजेशन एनर्जी इज डिक्रीजिंग। ठीक है, अब पहले मैं आपको इसका ट्रेंड रिवाइज करवाता हूं। देखो आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन ये रही, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जीज के ऊपर तीन फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। जब आप कभी भी आप टॉप टू बॉटम आ रहे हो किसी भी ग्रुप में, या लेफ्ट टू राइट आप ट्रेवल कर रहे हो किसी भी पीरियड में, तो आयनाइजेशन एनर्जी पर ये तीन फैक्टर्स जो हैं आपके वो इफेक्ट करेंगे। इसमें सबसे पहला आपका फैक्टर है चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, ये पहली चीज आ गई। दूसरा डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर इलेक्ट्रॉन्स, एंड तीसरी चीज आ गई बेटा आपके पास शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, अब देखिएगा इसके जो ये तीन, देखो हर चीज यहाँ पर नोट डाउन करी हुई है, जो तीन आपके पास चीजें हैं उसमें पहला क्या है बेटा, चार्ज ऑन द न्यूक्लियस मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, कि आपके न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट है बेटा। जितने जो आपके पास न्यूक्लियर, जब द ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज द हायर द आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब जितनी आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में इंक्रीज होते चले जाएंगे तो उतना ही जो है वो आपके आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज होगी। दूसरा फैक्टर आपका क्या बता, डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर शेल इलेक्ट्रॉन। तो ये देखो एग्जाम्पल यहाँ पर बताई हुई है, फॉर एग्जाम्पल सोडियम है और मैग्नीशियम है। सोडियम का जो आउटर इलेक्ट्रॉन है ये वाला, ठीक है, अब ये न्यूक्लियस से इसका डिस्टेंस ये रहा, ठीक है, लेकिन अगर मैं सोडियम के साथ एक और एलिमेंट बनाता हूँ विच इज कॉल्ड दी, सोडियम के बाद आपके पास पोटेशियम जिसका प्रोटॉन नंबर है बेटा 19, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2, 8, और ये इसके पास चार शेल थे बेसिकली, और फोर्थ शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। तो बेटा जो चीज यहाँ पे नोट डाउन करने की है वो ये है कि यहाँ पर जो पोटेशियम का जो आउटर शेल है उसका डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इंक्रीज हो गया, ठीक है, एंड वी नो दैट कि जब ये जो न्यूक्लियस है ये इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है विद अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन वेन एवर द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर शेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, तो आपके पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाती है बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है,
और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस टू दैट इलेक्ट्रॉन वो कम हो गई है, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो सकता है एज कंपेयर टू द आउटर इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम। मतलब सोडियम के लिए आपको आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा चाहिए एज कंपेयर टू द लिथियम, बिकॉज लिथियम के पास डिस्टेंस बढ़ गया। एंड अकॉर्डिंग टू आवर फैक्टर कि भाई डिस्टेंस, द ग्रेटर द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर इलेक्ट्रॉन द लोअर द आयनाइजेशन एनर्जी, ये फैक्टर है हमारे पास। एंड थर्ड वन इज द शील्डिंग इफेक्ट बाय इनर इलेक्ट्रॉन्स। एंड बेटा देखो इनर, इसका मतलब क्या है शील्डिंग इफेक्ट का, आप सोडियम पर बात करें, सोडियम पर ये जो आउटर इलेक्ट्रॉन है इसके आगे कितने फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉन शेल्स हैं आपके पास, दो फुलफिल्ड शेल है, ठीक है। और जो पोटेशियम है इसका जो आउटर इलेक्ट्रॉन है इसके आगे आपके पास कितने फुलफिल्ड शेल है बेटा, तीन शेल्स ऐसे हैं जो कि फुल हैं, ठीक है। अब क्या होता है बेटा, क्योंकि दे ऑल आर इलेक्ट्रॉन्स, तो आगे वाले शेल कंप्लीट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पीछे वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे होते हैं बेटा, रिपल्जन कर रहे होते हैं, रिपेल कर रहे होते हैं, दूर फेंक रहे होते हैं, ठीक है। तो इट मींस दैट आप लोग आसानी के लिए जो ना अपने दिमाग में एक बात ये सोच लो कि भाई कि जब आपका डिस्टेंस बढ़ेगा ना न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन का, और डिस्टेंस बढ़ने में क्या फायदा होता है बेटा, डिस्टेंस बढ़ने का मतलब ही यही है कि आपके नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं। अब जब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं तो इट इज अ कॉमन फैक्ट कि भाई वहां पर शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ेगा। बात समझ आती है? तो मतलब डिस्टेंस और शील्डिंग इफेक्ट दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना आपके पास डिस्टेंस बढ़ेगा आउटर इलेक्ट्रॉन और शेल का, उतना ही आपके शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज होगा। तो जब आपका शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज हो रहा है तो एनर्जी कम हो रही है। अब देखो मैंने यहाँ पर आपको ट्रेंड्स भी लिखवाए हैं। कंक्लूजन यह है कि बेटा जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रही है तो डिस्टेंस कम होगा, शील्डिंग इफेक्ट भी कम होगा, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। और इसी का रिवर्स ये सेकेंड वाला पार्ट है। अच्छा अब इसके पैटर्न देखिएगा, टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, कि जब आप ग्रुप में आते हो टॉप टू बॉटम, देखो यही सब चीज मैंने लिखवाई भी और एग्जामिनर ने इसी बात से ही आपको क्वेश्चन पूछा है। उसने कहा कि जब आप ग्रुप नंबर 4 में टॉप टू बॉटम आ रहे हो तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, पैटर्न बताओ। और अगर इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है तो उसका रीजन बताओ। देखो क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे, समझेंगे क्वेश्चन को। द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी फॉर द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 4 आर गिवन बिलो, ये रहा दी भी है भाई। एक्सप्लेन द ट्रेंड वेदर इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, एक्सप्लेन एंड शो दीज वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द एलिमेंट, और इन सब वैल्यूज को एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द एलिमेंट्स के लिए आप शो कराओ कि भाई एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें ऐसी चेंज हो रही हैं कि जो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो बेटा जो बात हमने यहाँ पर लिखी हुई है कि वेन यू आर मूविंग टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, तो जब आप टॉप टू बॉटम आ रहे हो योर पीरियड नंबर इज चेंजिंग, एंड वेन द पीरियड नंबर इज चेंजिंग जो आपका जो नंबर ऑफ शेल्स एटॉमिक स्ट्रक्चर में वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। अब क्योंकि टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, डिस्टेंस बढ़ रहा है, शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा है, मतलब न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन्स की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो रही है बेटा आपके पास डिक्रीज हो रही है, तो इट इज ईजी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन ऑफ दैट पोटेशियम एज कम्पेयर टू सोडियम और एज कम्पेयर टू लिथियम। तो एज वी गो डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, देखिएगा सबसे पहले, अच्छा ये चीज हमें वैल्यूज भी बता रही है, एज वी मूव डाउन द ग्रुप द आयनाइजेशन एनर्जी द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजिंग, सही है। अब देखो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे कि डाउन द ग्रुप डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडाई इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड
इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू न्यू शेल्स, क्योंकि आपका पीरियड नंबर चेंज हो रहा है, न्यू शेल्स विच इंक्रीज द शील्डिंग इफेक्ट बाय इनर इलेक्ट्रॉन्स Hence, the as the first ionization energy decreases and so on it decreases. Okay. Increases despite increase in nuclear charge. ठीक है, तो ये चार मार्क्स के लिए आपका एक कंप्लीट आंसर है, और आप देख रहे हो कि इस कंप्लीट आंसर में वो सारे पॉइंट्स इन्वॉल्व हैं जो हमने स्टडी करे, जो हमने समझे. तो बेटा The main thing is to write the theory answers. तो अगर आपको ये theory के answers completely explain करना आते हैं, क्योंकि जब भी examiner explanation मांग लेना, तो उसका मतलब यही होता है कि आपको with respect to the marks चीजों को explain करना है. ठीक है, ये सब चीजें आप लोगों को जब booklet मिल जाएंगे तो आपके आंसर्स मैं कंप्लीटली चेक करूंगा. ओके, बड़ा इंशाल्लाह इसी वीक में भी आपको मिल जाएंगे. मैं फिर भी आपको कंफर्म करके इंशाल्लाह कल तक बता दूंगा, तो फिक्र वाली कोई बात नहीं है. ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने की कोशिश करिएगा. शाबाश. State and explain the group number of element Y. Group number is 2. Yes. Explain Y का group 2 है. देखो explanation एक बार जब याद कर ली ना, तो same ही explanation है हर बार.
शार्प राइज इन द आयनाइजेशन एनर्जी बिटवीन सेकंड इंडिकेटिंग अ चेंज इन शेल पर बेहतरीन बेटा देखो वही चीज है स्टेट एंड एक्सप्लेन सिक्स नहीं होगा क्या सिक्स मतलब बेटा सर अच्छा हाँ बेटा देखो आप क्वेश्चन को जरा पढ़ो सही कह रहे हैं सर आपको जो आयनाइजेशन एनर्जी इज गिवन है उस पर देखो आपको फिफ्थ आयनाइजेशन एनर्जी है सिक्स्थ है सेवेंथ है और एट है ठीक है तो आफ्टर सिक्स इलेक्ट्रॉन्स ये शार्प राइज आ रहा है तो ये ग्रुप नंबर सिक्स है ग्रुप सिक्स बिल्कुल ये फर्स्ट सेकंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी नहीं है बेटा आपके पास ग्रुप सिक्स है ये अब मैं देखो बेटा ये एक छोटी सी चीज है जो हमें देखते ही हमने जल्दबाजी कर ली क्वेश्चन नहीं समझा जल्दबाजी कर ली और नंबर चले गए तो कंसिडरेशन लेवल यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा यहाँ यही बात है ना आपने सारा थोड़ा भी अपना कंसिडरेशन लेवल को छोड़ा तो आपके नंबर फौरन से चले जाएंगे खैर स्टेट एंड एक्सप्लेन द ट्रेंड इन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी अक्रॉस द थर्ड पीरियड वी डोंट केयर अबाउट द थर्ड we care about the period and we know that from left to right in a period the ionization energy increases aur ye baat bhi maine aap logo ko likhwai hui hai ye rahi ki when you are moving across the period these are the points across the period the ionization energy increases theek hai to yes agar kisi ke paas beta ye nahi likha hua hai ye dono cheez hai specifically सो इफ यू वॉन्ट कि आप ये पैटर्न्स की एटलीस्ट जो है ना वो पिक्चर्स अपने पास ले लो अगर किसी के पास नहीं है बट ये पैटर्न की एंड वैसे भी सारी चीज़ें वो रिकॉर्डेड लेक्चर में तो मौजूद हैं लेकिन फिर भी आप कराओ तो एटलीस्ट इन पैटर्न्स की पिक्चर ले लो ये पैटर्न आ गया टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप और ये पैटर्न आ गया लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड ठीक है सो बेटा इस तरीके से देखो आज के क्वेश्चंस में अब अल्हम्दुलिल्लाह जो जो चीज़ हम डिस्कस करते हुए जा रहे हैं तो वो आपको पास पेपर्स में भी अब नज़र आ रही है ठीक है तो इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है हमारा एम ये होगा कि जैसे ये बुकलेट्स आपको मिलती हैं तो विद इन अ वीक आप एटलीस्ट इस चैप्टर को ख़त्म कर दो ताकि फिर मैं आगे चलूँ क्योंकि आपको मैंने जरूर बताया था कि देन वी विल हैव आवर क्विज और वो क्विज अब उस वक्त ज़्यादा बेहतर होगा आप लोग जब इसको होल्ड कर सकते हो कि जब आप पास पेपर्स की प्रैक्टिस कर लो और जब तक बेटा अगर कोई और क्वेश्चन है अपने पीछे के कॉन्सेप्ट में कोई मसला है तो इस वीक में आप बिल्कुल पूछ सकते हो कोई मसले की बात नहीं है बाकी जो हमारे पास थर्सडे को लैब की क्लास है उस लैब की क्लास में हम लैब के साथ साथ जो है वो थोड़ा सा इन सब चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे ताकि हम लोग सब एक सेम पेज पर आ जाए लेकिन अनटिल एंड अनलेस जो जो स्टूडेंट्स नए हैं या फिर वो किसी प्रॉब्लम की वजह से क्लास नहीं ले सके थे तो वो काइंडली वीडियो लेक्चर से या फिर अपने फ्रेंड्स से एटलीस्ट काम को नोट डाउन कर लें बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हाँ बेटा असफर मैं रिवीजन करवा दूंगा मैं रिवीजन का मना नहीं कर रहा लेकिन सिर्फ एक कंडीशन है कि आपके पास नोट्स तैयार होने चाहिए कॉपी में तो मैं रिवीजन करवा दूँगा देखो जब सब आप लोगों के पास लिखा हुआ होगा ना तो ये मेरे लिए काफ़ी चीज़ आसान हो जाएगा कि मैं फ़ौरन से क्विक रिव्यू लेंगे लेकिन अगर नहीं लिखा हुआ होगा तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा ठीक है चलें अल्लाह हाफ़िज़